हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्रॉफ ऑफ इंडिया। एड्रॉफ ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक वीक पहले हम लोगों ने एक ईओएस गैस के नाम से एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, जिसमें हमें 10,000 टोकन्स मिल रहे थे। और ये कई यूट्यूब चैनल पर इसका इस एयरड्रॉप के बारे में अनाउंसमेंट था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी आया था ये यूएस गैस लिस्टेड बिफोर फर्स्ट। तो अभी सबको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा। आप अगर अपना ईमेल में चेक करेंगे तो ईओएस गैस के नाम से इसमें आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इसका केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपका ईथर वॉलेट हैक हो जाएगा। इसमें आपका ये प्राइवेट की मांगेंगे, और प्राइवेट की अगर आप डालते हैं तो सीधा सा बात है कि आपका अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा। इसके पीछे हैकर बैठे हुए हैं, तो इसके केवाईसी को बिल्कुल कंप्लीट ना करें और सीधा आप ईमेल को डिलीट कर दें। याद रखें, अपना प्राइवेट की किसी को भी नहीं देना है, और नहीं अपना प्राइवेट की से आपको अपना माई इथर वॉलेट खोलना है। आप अपने माई इथर वॉलेट को बुक मार्क करके रखें। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बुक मार्क करके रखा है, और आप यहाँ से डायरेक्ट खोलें, बुक मार्क खोल करके रखकर वहाँ से आप डायरेक्ट खोल दें, वहीं से खोलना है। बुक मार्क करने के लिए आपको गूगल क्रोम में यहाँ स्टार का साइन रहता है, यहाँ पर आप साइट को खोल करके यहाँ पे दबा करके इसे बुक मार्क करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने माई इथर वॉलेट को मेटामास्क से कनेक्ट करें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे मेटामास्क से कनेक्ट करना है। 4-5 नंबर में होगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्राइवेट की आप सिर्फ का यूज सिर्फ मेटामास्क में इंपोर्ट करने के लिए करें अपने माई इथर वॉलेट को। और अपने प्राइवेट की, और जब भी आपको अपना माई इथर वॉलेट खोलना होगा तो मेटामास्क के थ्रू कनेक्ट करके खोलें, बिना प्राइवेट की का यूज किए हुए और जेसन की को फाइल को यूज किए हुए। अपना माई इथर वॉलेट खोलें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं माई इथर वॉलेट। जैसे आपको माई इथर वॉलेट खोलना है तो आप क्या करें, अपने माई इथर वॉलेट को अगर आपने बुक मार्क किया हो तो उसे वापस खोल दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपना माई इथर वॉलेट को अपना खोल ले फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ सेंड इथर एंड टोकन्स में जाए, मेटामास्क में चले जाए और कनेक्ट करके माई इथर वॉलेट को खोले। प्राइवेट की डालने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपका माई इथर वॉलेट खुल जाएगा। तो इस तरह से अपने प्राइवेट की को किसी सेफ प्लेस पर अपने हार्ड डिस्क में रख लें। अपने विंडो में भी पासवर्ड लगा करके रख लें, जब विंडो ओपन करें तो उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें। और इस तरह से अपने माई इथर वॉलेट को खोलें, कोई प्राइवेट की का यूज ही नहीं करना है। ये प्राइवेट की वगैरह जो मांगते हैं, ये आप कहेंगे कि आपके इथर वॉलेट को वेरीफाई करेंगे, तो प्राइवेट की मांगेंगे तो एक्स्ट्रा टोकन्स मिलेंगे। नहीं, आप बिल्कुल जो कोई भी आपसे प्राइवेट की मांगता है, समझिए कि वो एक हैकर है। और ऐसे मैं शुरू शुरू में मेरा भी अपना मेरा इथर वॉलेट हैक हुआ था, तो इसे बिल्कुल भी फ्रेंड्स कंप्लीट ना करें। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एयरड्रॉप में।